गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों देखिए, हम वीडियो नहीं बना रहे थे, ऐसे ही हम सोचे कल से कि मेरा ये मुसंडा का पौधा देखिए मुरझा गया। हम उधर छाया तरफ में रखे थे, लेकिन बीच में बारिश जो हुआ था फ्रेंड, इसमें इसी में हम पॉटिंग करके दिखाए थे, आप लोग को रिपोर्ट किए थे, तो पानी जम गया था, इसके नीचे से पानी नहीं निकल रहा था, तो उसका जो होल है ना बंद हो गया था, पानी से भर गया था। हम इसको टेढ़ा करके रखे थे, लेकिन पानी पूरा चू नहीं पाया, तो उसमें पानी हो गया था। ये देखिए, इसको अभी पूरा हम निकाले, तो अभी हम सोचे ये भी देखिए, ये है ना स्नेल किस तरह हमारा पौधा को पकड़ लिया है। और ये है छोटा वाला चांदनी, इसको भी अभी हमारा कुछ दिक्कत हो रहा है इनको, ये जो पत्ता खा रहा है स्नेल, तो हम फॉलो नहीं किए थे फ्रेंड। और इसका पत्ते सबको, उसका टूसा सबको खा रहा है, तो इसका कुछ हमारे उपाय करना है और रिपोर्ट भी करना है फ्रेंड। तो सोचे कि इसको हम चेंज कर देते हैं बड़े गमले में, और इसको थोड़ा हम कुछ छीटेंगे, इसमें हम राख छीट देंगे फ्रेंड, बाद में हम दिखाते हैं वो। और इसका जो है ना रूट बाउंड हो गया है, छोटा सा पौधा है, मैंने गमला था, और इसके लिए पिछले साल ही हम इसको, एक साल मतलब हो रहा है, इसको हम रिपोर्ट मैंने कटिंग से तैयार किए, कटिंग से तैयार करके हम इसमें रिपोर्ट किए थे ये गमले में। इसके लिए गमला अब छोटा हो गया, स्नेल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो सोचे इसको हम रिपोर्ट करते हैं, फिर इसमें हम राख छीटेंगे फ्रेंड, इसी का ये इंसेक्ट का काम करेगा। और ऐसे इसमें पानी सूखा है, तो हम ऐसे पकड़े निकल गया है, तो हम सोचे इसमें एक वीडियो बना ही लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए इस तरह निकल गया है, रिपोर्ट कर देते हैं इसको। हम कुछ भी नहीं करेंगे फ्रेंड, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको बस हम इस तरह खाली यहाँ लगा देंगे, इसमें जो घास पतवा है उसको निकाल देंगे, और हल्का सा ढीला करेंगे इसका, बस इसको साइड से हम मिट्टी डाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इसके ऊपर से हम राख छीटेंगे फ्रेंड। पत्ते सब देखिए क्या कर दिया है, और एक दो कुछ जो है ना जो खराब कर दिया, उसको हम कटिंग कर देंगे फ्रेंड। ये देखिए इससे जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे, जिसमें फूल नहीं आने वाला नया करके आएगा, उसको हम कटिंग भी कर देंगे। ये देखिए इस तरह कटिंग निकाल देंगे कि दूसरा नया आएगा। देखिए इसका ऊपर से हम मट्टी डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड एकदम क्लीन निकल आया, इसका जड़ हो गया था, हम इसके साइड में अब यही मिट्टी ही डालेंगे फ्रेंड, जो इस गमले में था वो गीले हैं, पानी जो नहीं निकल पाया था फ्रेंड भुरभुरे, तो पानी भी हमको देना नहीं पड़ेगा अभी, इस मिट्टी को डालेंगे ना फ्रेंड, तो पानी नहीं देना पड़ेगा, तो इसको हम इसमें रिपोर्ट कर देते हैं, तो इसके लिए अच्छे होगा। इसमें पूरा हम मिट्टी डाल लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये चांदनी को हम रिपोर्ट कर दिए हैं फ्रेंड, और इसमें देखिए स्नेल कैसे घूम रहा है, और इसमें हम राख देंगे ना फ्रेंड, देखिए कैसे गिर जाता है, देखिए राख डालने के बाद देखिए, ये देखिए गिर गया, वो अब आगे नहीं जा पाएगा फ्रेंड। अब ये जो हम ना राख देखिए इस तरह रखे हुए हैं, ये राख जो है ना इसमें इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसमें ऐसे, इसमें अब चढ़ेगा नहीं फ्रेंड, जो भी कीड़े मकड़ा है ना फ्रेंड, मकड़ा चाहे कुछ भी, ये नहीं इसमें चढ़ेगा। और इसका जड़ में भी हम ये रख डाल के रख देंगे फ्रेंड, तो आ नहीं पाएगा, चढ़ नहीं पाएगा।
देख रहे फ्रेंड, इसको जड़ में भी हम इस तरह डाल के रख देंगे। और इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड, ये जो मिट्टी ऊपर से हम डाले हैं ना वो गीली है, तो वही उसके लिए ठीक है। ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए हम इस तरह डाल दिए, देख रहे फ्रेंड, और जितना स्नेल है या कीड़ा है कुछ भी इसमें नहीं आएगा। तो फ्रेंड मेरा ये रिपोर्टिंग हो गया है, और आप लोग बताएंगे कैसा हुआ मेरा ये रिपोर्ट, कैसा हुआ और मेरा काम कैसा हुआ बताएंगे। ये देसी काम है फ्रेंड, इसी तरह हम रख देंगे और इसमें कोई कीड़ा नहीं चढ़ेगा, बैठेगा भी नहीं कीड़ा फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम ये वीडियो अंत करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जो दोस्त नया है उन लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक देने भूल गए तो लाइक प्लीज दे दीजिएगा। बाय।